लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री रामचंद्र जी और उनके परम भक्त श्री हनुमान जी का स्मरण करते हुए आज का पाठ आरंभ करेंगी श्रीमती उषा कपूर जी, 205 से दोहा 205 से और 249 तक उनका पाठ है। आइए हम सब पाठ श्रवण का आनंद लेते हैं। ओम भाई साहब, मैं सारे श्रोता को मेरा जय सिया राम। तन कुल कहुहिए हर्ष सुनी बेनी वचन अनुकूल, भरत धन्य कहे धन्य सुर हर्षित वर्ष ही स्फूल। सियावर राम जय जय राम, प्रमुद प्रमुदित तीर्थ राज निवासी, बेखानस बटु गई उदास कई परस्पर मेरी दस पांचा। भरत सने सिरु सूची साचा, सुनत राम गुण ग्राम सुहाए। भरद्वाज मुनिवर पहियाए, दंड प्रणाम कर मुनि देखे। मूर्ति मंत भाग्य निज लेके, दाई उठाई लाई उल्ली ने दीन। असीस के थारत कीन आसन दीन, नाई सिरु बैठे चैत सकुच ग्रह। जनु बजी बैठे मुनि पूछब कछु यह बड़ सोचू, बोले ऋषि लिखी सिलो सकोचू। सुनो भरत हम सब सुधिपाई, विधि कर्तव्य पर किछु न बसाई। तुम गला निजी जनी करहु, समझ मातु कर दूती। तात के कही दोष नहीं, गई गिरा मति दूती। सियावर राम जय जय राम, कहु कहत भर कही न कहू। लोकु बेदुबुद सम्मत दो, तात तुम्हार विमर जसु गाई। पाए लोक ही वेद पढ़ाए, लोक वेद सम्मत सब कही। जय पिदुती राजू सो रही, राहु सत्यव्रत तुम्हें बुलाई। देत राज सुख धर्म बढ़ाई, राम गौनु मन अनरथ मूला। जो सुनी सकल वेश वही सूला, शोभा भी बस रानी आयानी। करी कुचारी अंत उपचितानी, तह तुम्हारे अलप अपराधु। कहे सो अदब अयान असाधु, करते हु राज तुम्हें न दोषु। राम ही हो तो सुनत संतोषु, अब अति की नहु भरत भर तुम्हें उचित मते। सकल सुमंगल मूल जग, रघुवर चरण सने सियावर राम जय जय राम। सो तुम्हारे धनु जीवन प्राणा, बुरी भाग को तुम्हें समान। यह तुम्हारा चजना ताता, दशरथ सुन राम प्रिय भ्राता। सुनो भरत रघुवर मन माए, प्रेम पात्र तुम सबको नाय। लगन राम सीत ही अति प्रीति, निसी सब तुम्हें सराहत बीती। जाना मरम नाथ प्रयाग, मगन हुई तुमरे अनुराग। तुम पर अस स्नेहु रघुवर के, सुख जीवन जग जस जड़ नर के। ये ना अधिक रघुबीर बढ़ाई, परत कुटुम पाल रघुराई। तुम तो भरत मोर मत एहू, धरे देव जनु राम सने हूँ। तुम कह भरत कलंक है, हम सब कह उपदेश। राम भक्ति रस सिद्धित, बाय समून गणेश। सियावर राम जय जय राम, नवविदु विमल तात जसु चूर। नवविदुत विमल तात जसु तोरा, रघुवर किंकर कुमुद चकोरा। उदित सदा अतहि गमुआना, घटई न जग नव दिन दिन दूना। कोक तिलोक प्रीति अति करे, प्रभु प्रताप रवि छवि न हरे। इसी दिन सुखद सदा सब काऊ, ग्रसई न के करत राऊ। पूरन राम सुप्रेम पीयूष, गुर अवमान दोष नहीं दूष। राम भगत अब अमीर गाऊ, कीनु सुलभ सुधा वसुधाऊ। भूप भगीरथ सुरसरियानी, सुमरत सकल सुमंगल कानी। दशरथ गुण गण बड़ी न जाई, अधिका जे सब जग नाही। जासु सने सकोच बस, राम प्रकट भयाई। जे हरिये नैनी कबू,
निरखे नहीं अगाए सियावर राम जय जय राम। कीर्ति विदु तुम कीनु अनुपा जय वस राम प्रेम मृग रूप तात कला निकलो जे जाए डरो दरिद्र ही पार सुपाए। सुनो भरत हम झूठ न कहे उदासीन तापस मन रही सब साधन कर सुफल सुहावा लखन राम सिय दर सुन पाव ते फल कर फल दरस तुम्हारा सहित प्यार सुभाग हमारा भरत धन्य तुम जसु चकु जय ऊ कही अस प्रेम मगन मुनि मैं ऊ सुन मुनि वचन सभासद हर्ष साधु सराहि सुमन सुर वर्ष धन्य धन्य धुनि गगन प्याग सुनि सुनि भरत मगन अनुराग पुलक गाती है राम सिये सजर सरो नैन करे प्रणाम मुनि मंडरई बोले गदगद बैन सिया राम जय जय राम। मुनि समाज अरु तीरथ राजू साजे सपद गाय अकाज एही धर जौ के किछु कई बनाई ए समाधिक न अगमाय तुम सर्वज्ञ कहे सति बाहु उर अंतर जामी रघुराव मोहि न मातु कर्तव कर सोचू नहीं दुखु जिये जगु जाने पोचु नाहिं डरु बिगड़ही पल्लो कु पितहु मरण कर मोहि न सोखु सुकृत सुजस बरिस भुवन सुहाए लक्ष्मण राम सदित सुत पाए राम बिरह तनि तनु छन भंगु भूप पोच कर कवर पसंगु राम लखन सिय बिनु पग पनहि करिम निवेश पिनहि मन बनहि अजन वसन फल असन मई सैन डासी कुस पात बसी तरु तर नित सहत हिम आतप वर्षा बात सियावर राम जय जय राम। यही दुख दाहा दैन दिन चाती भूख न बासन नींद न रात एक रोग कर औषध नाही सो दही सकल विस्मन माही मातु कुमत बड़ई अगमूर तेई हमारे हित कीने बसूर करी को काट कर कीन को जंत्रु गाड़ी अवधि बड़ी कठिन कुमंत्रु मोई लगी है कुठार डू तेई ठा ठा घार सक जगु बारे बाटा मिटई कुजो गुराम फिरी आए वसई अवध नहीं आन उपाय भरत बचन सुने मुनि सुख पाए समय कीन बहु बात ही बढ़ाई तात करो जनी सोच विशेष सब दुख मिटई राम पग देगी करी प्रबोध मुनि वर कहो अतिथि प्रेम प्रिय हो कंद मूल फल फूल हम दे लहु करी छो सियावर राम जय जय राम। सुनि मुनि वचन भरती है सोचू भय को अवसर कठिन सकूत जानि करो गुरु गिरा बहोरी चरण बंजी बोले कर जोड़ी सिर धरी आयुष करे तुम्हारा परम धर्म यह नाथ हमारा भरत वचन मुनि वर मन भाए सुचि सेवक सच निकट बुलाए चाहिए कीन्हे भरत को नाए कंद मूल फल आन हो जाए परे नाथ कहे तीन सिन्ना प्रभु दिन जिन काज सिदाए उन्हें सोच पाहुन बड़ नेवता तसी पूजा चाहिए जस देवता सुनि हृदय सिद्धि अनिमात्मिक आए आयुष होई सो करे गोसाई राम विरह व्याकुल भरत सानुज सहित समाज पहुनाई करे हरौ श्रम कहा मुदित मुनि राज सियावर राम जय जय राम। रिद्धि सिद्धि सिर धरि मुनि वरवानी बड़ भाग आपो अनुमानी कई परस्पर सिद्धि समुदाय अतुलित अतिथित राम रघुबाई मुनि पद बंदी करे सोई आजू होई सुखी सब राम समाजू अस कही रचे तो चिर गए नाना जय बिलो की बिल खई विमाना भोग विभूति बुरी बरी राखे देखत जनई अमर अभिलाष दास दास साजू सब लीने जोगवत रही मन ही मनु दीने सब समाज सजी सदी पल पल बाही जे मुख जे सुख सुरपुर सपने उनाही पथ मही बास जे सब के सुंदर सुखद जता रुचि जे बौरि सपरिचन भरत कहूँ ऋषि अस आयो सुदीन विधि विस्मय अदायुक विभव मुनिवर तप वर कीन सियावर राम जय जय राम। मुनि प्रभाव जब भरत बिलो का सब रघु लगे लोक पति लोक सुख समाज नहीं जाई बखानी देखत भृति बिसारे ज्ञान आसन सैन सु बसन बिताना बन बाटिका व्यग मृग नाना सुर भी फूल फल अमय समाना विमल जलाशय विविध बदान असन पान सुचि अमय अमी से देखी लोग सब चात जमी से
सुर सुर भी सुर तरु समय के लखी अभिराज सुरे सची के ऋतु बसंती बहत विद बिहारी सब के सुलभ पदार्थ जारे संक चंदन वनितादिक भोगा देखि हर्ष विस्मय वसुलोक संपत्ति चक ही च भरत चक मुनि आयस खेल बार तेई निजी आश्रम पिंजरा राखी भाविनु सा सियावर राम जय जय राम कीर्ति मंजनु तीरथ राजा नाई मुनि सिर सहित समाज ऋषि आयुष असीस पुराकी करी दंडवट विनय बहुभाषी पद गति कुशल साध सवली नहीं चले चित कूटे चितु दीन राम सखा कर दीने लागू चलत दे दरी जनु अनुरागु नहीं पद तान शीस नहीं चाय प्रेम 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 नेमु बतु धर्म अमाया लखन राम सिय पथ कहानी पूछ सकी कहत मधुबानी राम वास तर बिटप बिलोक उल अनुराग रहत नहीं रोके देखी दशा सुर बड़ से ही मूरा भय मधुमय मंगु मगु मंगल मूला के जाई छाया जलद सुगद वही बर्बाद तस मनु तस मगु भयो न राम के जसवा बढ़ते ही जासिया पर राम जय जय राम जड़ चेतन मग जीव गने रे जे चीते प्रभु जिने प्रभु गेरे ते सब भये परम पद जोगु भरत दास मेटा बबरू यह बड़ी बात भरत कही नाही सुमरत जनई रामू मंगनाई बालक राम कहत जग जे हो तरन तारन नर ते भरतु राम प्रिय पुनि रघु भ्राता कस न होई मगु मंगल दाता सिद्धु सिद्ध साधु मुनि वर अस कहे भरत इंद्र की हर्षु ये रही देगी प्रभा उसर से ही सोचू जगु भर भर ही पहुंचू कहूँ पहुंचू गुरु सर कहो करे प्रभु सोई राम ही भरते पेट न होई राम संकोची प्रेम बस भरत सपेम पयो दी बनी बात बेगरन चैती करई जतन बुचरु सूदी सिया राम जय जय राम वचन सुनत सुर गुरु मुस्काने सहसने विलोचन जाने माया पति सेवक सनन पाया करई त उल्टी परई सुर साया तब किछु कीन राम रुक जाने अब कुचारी करी होई आनी सुनु सुरे रघुनाथ सुभाओ निज अपराध रिसाई नकाओ जो अपराध भगत कर करई राम रूप पावक सोच रही लोगों में विदित इतिहासा यह महिमा जाने दुर्वास भरत सरिस को राम सने जन जगु जप राम राम जपने मनो ना नहीं अमर पति रघु भगत अकाज अज सूर लोक पर लोक दुख दिन शोक समाज सियावर राम जय जय राम सुनु सुरेश उपदेश हमारा राम ही सेव परम प्यारा मानत सुख सेवक सभी काय सेवक बैर बेरु अधिकाय जद भी समने राग न रोषु गई न पाप पूर्ण गुण दोषु करम प्रधान विश्व करे राग जो जस करे सो तस फलु चाखा तदपि करे सम विषम बिहारा भगत अभगत इत्य अनुसारा अगुण अलेप अमान एकल राम सगुण भय भगत प्रेम वत राम सदा सेवक रुचि राखी वेद पुराण साधु सुर सांगे अस जिय जानि त जहु कुटिलाई करौ भरत पद प्रीति सुहाई राम भगत परे हित पर दुख दुखी दयाल भगत शिरोमणि भरत ते जनी डरपहु सुर पासियावर राम जय जय राम सत्य संद प्रभु सुर तिकारी भरत रामायस अनुसारी स्वार्थ विवश विकल तुम हो भरत दो सुनई राहुल मोह सुनि सुर भर सुर गुरु मरवानी वा प्रभु मन मिटी गलानी वर्षि प्रसु हर्षि सुर राहु लगे सरा भरत सुभाऊ ए विधि भरत चले मगन जाए दशा देखि मुनि सिद्ध सियाई जमे राम कई ते उसा सा उंगत प्रेम मनो जो पास द्रवई वचन सुनी कुल स्पशान उर्जन प्रेम न जाए बकान बीच बास करी जमुने आए निर्खि नीरु रोचन जल छाए रघुवर वर्ण बिलो कि वर पार समेत समाज होत मगन बार दीप रह चढ़े विवेक बजाज सियावर राम जय जय राम
जमुन धीर ते दिन करी वासु भयो समय सब समय रघुवा सुपासु रात ही घाट घाट की तरनी आई अगमित जानी जाई नवरनी रात पार भये गई के वा तोषे राम सखा की सेवा चले नाय नंदी सिर नाय साथ निषाद नाथ दो भाई आगे मुनिवर बान आचे राज समाज जाए सब पाछे ते पाछे तो वध प्याद भूषण वसन भेज सुचि साध सेवक सुवध सचिव सुत साधा सुमरत रखनु सिय रघुनाथ जय जय राम बास विश्राम तह तह कही सब प्रेम प्रणाम भगवासी नर नारी सुनी धाम काम तजि धाय देख स्वरूप सने सब मुदित जन्म फल उपाय सियावर राम जय जय राम कही सब प्रेम एक एक पाई राम लखन सखी होई कि नाही वह पपु बरन रूप सोई रारे सिर सने सरित समुचार बेशु न सो सके सी है न संग आगे अनिचलि चतु रंगा नहीं प्रसन्न मुख मानस के दास सखी उस देव होई एई वेदा तासु तरक ते कर्म निर्माणी कही सकल ते सब न सियान तेस राय वाणी मुरी पूजे ई बोली मधुर वचन ती है दूची कही सब प्रेम सब कथा प्रसंगु जे विधि राम राज सरस भंगु भरत ही बहुरी सराहन लाग सीर स्नेह सुभाय सुभाग चरत पया देखा बल पिता दीन तजी राज जात मनावर रघुवर ही भरत सरिस को आज सिया राम जय जय राम भायव भक्ति भरत अचरनु कहत सुनत दुख भूषण हर जो किछु कहव तोर सिख ना साई राम बंधु अस काए न होई हम सब सानुज भरत ही देखे वही धन जुगति जन लेख सुने गुने देखी दशा मचिताई के कई जन जोग सुत नाही को कह दूजनु रानी नाही विधि सब कह की नियम ही जो दाए कह हम लोक वेद विधि नी रघुते कुल कर तुति मलिनी बस उपदेश कुका ओ कुबा मां कह जे दरस पुण्य परिणाम अस आनंद अचिर ऋचु प्रतिगामा जनु मनु भूमि कर पतरु जामा भरत दर्शु देखत कुलई मन मग मोगन कर भाग जनु सिंगर वासे भयो विधिवश सुलभ प्रयाग सियावर राम जय जय राम निज गुण सहित राम गुण गाथा सुनत जाय सुमरत रघुनाथा तीरथ मुनिया जब सुरदामा नरके निमन चय करे प्रणामा मने मन मांगे भरुए सिय राम पद पद सुने मिले किरात कोर बरमास बेखान सुपटु चति उदास करी प्रणाम पूछे जे ते कई बन लखन राम है दे ते प्रभु समा चार सब कहे भरत ही देखी जन्म को फल लय जे जन कही कुशल हम देखे ते प्रिय राम लखन समले ए विधि वो चल सबे सुमान सुनत राम वनवास गान देवा सर्वसी प्राते चले सुमरे रघुनाथ राम दरस की लाल सा भरत सही सब साथ सियावर राम जय जय राम मंगल सगुन होई सब काऊ फल कही सुखद बिलोचन भाव भरत सहित समाज उचाऊ मिलहिं राम मिटहिं दुख दाऊ करत मनोरथ जस जिय जाके जाहि स्नेह सुना सब जाके शिथिल अंग पग मगी डोलहिं बिय बर वचन प्रेम वस बोलहिं राम सिखाते समय दिखाओ सहर शिरोमणि सहर सुनाम जासु समीप सरित पै पीरा तीरा सिय समेत बसहिं दो वीरा देखि करहिं सब दंड प्रणामा कहि जय जानकी जीवन रामा प्रेम मगन अस राज समाजु जनु करि अवध चले रघुराज भरत प्रेम तेई समय जस तस कहि सकहिं न शेष कवहिं अगम जिमि ब्रह्म सुकू ऐ मा मलिन सनि जने सुसिया राम जय जय राम सकल स्नेह सुत रघुवर के भय कोस तुई तन कर डर के जनु तरु देखि बसे निसीबा ते कीन गमन रघुनाथ प्रीत उमा राम रजनी अवशेष जागे सिय सपन अस देख सहित समाज भरत जनु जाए नाथ वियोग ताप तन पाए सकल मन न मन दीन दुखारी
देखि सासु आन अनुमान, सुन सी सपन भरे जन लोचन भये सोच बच सोच में मोच, लखन सपन ये नीक ना होई, कठिन कुछ आउ सुनाहे कोई, अस कही बंधु समेत नान, उजी पुरारी साधु सनमाने। सनमाने सुर मुनि मंदी बैठे, उतर दी सी देखत भय, नव दोरे खग मृग भूरी भागे, विकल प्रभु आश्रम आए, तुलसी उठे अवलोकिकार, कहाँ चित सचकित रहे, सब समाचार के रात को आए तेई अवसर कहे, सुनत सुमंगल बैन मन, प्रमोद तन पुलक बर, सुनत सुमंगल बैन मन, प्रमोद तन पुलक बर, सरद सरोहर नैन तुलसी बरे स्नेह जल, बहुरी सोच बस बेसियर बन, कारण कवन भरत आगमन, एक आई अस का भोरी, सीन संग चतुरंग न तोरी, सो सुनी राम ही भाति सोचू, इत पितृ बच इत बंधु सकोच, भरत स्वभाव समझी मन मान, प्रभु चित हित तिथि पावत नाहीं समाधान, तब बाह्य जाने भरत गए मऊ साधु, सियाने लखन लखे प्रभु हृदय हमारू, कहत समय सम नीति विचारू, फिर पूछे कछु कहो गुसाई, सेवक समय न डीटी डिटाई, तुम सर्वज्ञ शिरोमणि स्वामी, आपने समझ कहो अनुका, नाथ सुहद सुठी सरल चित सील सने दान, सब पर प्रीति प्रतीति जिए, जानी आप समान सियावर राम, जय जय राम मंगल विषयी जीव पाई, प्रभुताई मोर मोह बसोई जनाए, भरत नीति रथ साधु समान, सुजाना प्रभु पद प्रेम सकल जग जान, देव आजू राम पद पाई, चले धर्म मर जा मिठाई, कुटिल कुबंध को अवसर ताकू, जानी राम बनवास एकाग, करी कु मंत्र मन साज समाज, आए करी अकंटक राज, कोटि प्रकार कल्पि कुटिलाए, आए दर बटोरी दो भाई, जो सी है जो जी है वो तिन कपट कुचार, के सुहाति रथ बाज गजार, भरत ही दोसु देई को जाए, जग बुलाए राज पद पाए, ससिस गुर तिय गामी न गुसु, चढ़े भूमि सुर जान, लोक भेद ते विमुख भा, अधम न बेन समान सियावर राम, जय जय राम। सहस भाव सुर नाथ तिसंको, कई न राज मद कीन करंको, भरत कीन यह उचित उपाओ, रिपुर रंचना राघव काऊ, एक कीन नहीं भरत बलाय, निधने राम जानी असाय, समुझ परई सो आज उसे जी समर सरोज राम मुख पे की, एतना कहत नीति रस बूरा, रन रस गुट पुपुर कमिस मूर, प्रभु पद मंद शीस रज राखी, बोले सत्य सहज मनु भाज, अनुचित नाथ न मानव मोरा, भरत अमय उपचार न थोड़ा, कह लगी सही रही मनु मारे, नाथ सात तन हाथ हमारे, छत्री जाति रघुकुल जन्म राम अनुग जग जान, लातो मारे चढ़ते सिर नीच गोसू धूरी समान सिया, राम जय जय राम। उठी कर जोर जा सुमांगा, मनो वीर रस सोबत जागा, बांधी चटा सिर कसी अटकटी माता, साजी सरासन सायो गुहा, आज राम सेवक जस ले वो, भरत ही सम सिखावन दे वो, राम निरादर कर पर उपाय, सोबो समर सेज तो भाई, आई बनावर सकल समाज, पकड़ करे रिसपाच ने आजू, जिमी करे निकल दरे मृग राजू, ले लपेटी लवा जिमी बाजू, तेसे ही भरते सेन समेत, सानु जनिद्रे ने पार खेत, जो साय कर संकरु आए, तो मारो रन राम दुआए, अति सरोज मा खे रखनू, लखी पुसनी सपत प्रवान, सबे लोक सब लोकपति, जात ब्रह्मणि भगवान सियावर राम, जय जय राम। जग वह मगन गगन वही बानी, लखन भाव बर विपुल बखान, तात प्रताप प्रभाव तुम्हारो, को कही सके को जान निहारा, समझ मातु कर तब सब जाय, करत कुतरक कोटी मन माय,
राम रखन सिए सुनि मन लाहु उठि जनि जनत जानी तज राहु मातु मते मोह मानि मोही जो कछु करे सो थोर अग अब गुण छमे आद रही समझी आपनी हो सियावर राम जय जय राम जो परिहरे मन न मन जानी जो सन्मान सेवक पानी मोहे अभी तन की पने राम सुसार में दोष सब जने। क्या हुआ छूट गया दीदी को सर, आप आगे तीस बढ़ के बाद गई हैं। जग जस भाजन चातक मीना नेम पे निज निपुण नवीना असमन गुणत चले मंग जात सकुच स्नेह शीतल सब गात कीर्ति मनो मातु कृत कूड़ चरत भक्ति बर धीरज दूर जब समुजत रघुनाथ सुभाऊ तब पद परत उतायो पौ भरत दशा दई अवसर कैल जल प्रवाह जल अधिगति जैसी देखी बनत कर सोच सने हु पान छाड़ दई समय विदेव लगे हो न मंगल सगुन सुने गुने गैत निषाद मिटे सोचो ए हसु गुनी परिणाम विषाद सियावर राम जय जय राम सेवक वचन सत्य सब जाने आश्रम निकट जाइने आने भरत दीघ बन सैर सवान उदित श्वेत जनु पाए सुना कीर्ति बीती जनु प्रजा दुखारी त्रिविध ताप पीड़ित गृह मान जाई सुराज सुदेश सुखारी होई भरत गति तेई अनुहारी राम पास वन संपति प्राजा सुखी प्रजा जनु पाए सुराज सचिव सुराग विवेक नरेश विपिन सुहावन पावन देश बट जम नियम सैल रजधानी मैं शांति सुमति सुचि सुंदर रानी सकल अंग सपन सुराव राम चरण आर्षित चित भाय जीत मोह मई पाल उदर सहित विवेक बुआ करत अकंटक राजपुर सुख संपदा सुकारुचिया राम जय जय राम वन प्रदेश मुनिवास घने जनुपुर नगर गाँव गण घेरे विपुल विचित्र भी मृग नाना प्रजा समाज न जाय बखान खगया करी हरि बाग भराया देखी महिष ऋषि साज सराय बैर ब्याही चरई एक संगा जय तय मनहु सेन चतुरंगा झरना झरने जरई मत गज गा जय मनो विशान विविध विधिवार चक चकुर चातक सुख निपिक गण कुंजत कूजत मंजु मनार मुदित अलीगन गावत नाचत मोरा जनु सुराज मंगल अचूर बेरी बिटप तन सफल सबूर सब समाज मृद मंगल मूर राम सैल सोभान की भरत दया दीमू तापस तप फल पाई जिमी सुखी सिराने ने मुसियावर राम जय जय राम मंगल भवन मंगल आदि तबो सुत अशरथ अजर विया तब के वट ऊंचे चढ़िए जाए कहो भरत सन पूजा उठाए नाम दिखाए विटप बिसारा पाकरी जम असार तमारा जिन तरुवर मदे वट सोहा मंजु विशाल दे की मन मोह तीन सघन पल्लव फल लाल अविरल जा सुगत सब काज मानो ते मेरा अरुण मै राशि बिरचि विधि संकेत सुषमा ए तरु सरित समीप गोसाई रघुवर परन कुटी जे जाय तुलसी तरुवर विविध सुहाय कहु कहु सिय कहु लखन लगाई बट छाया वेदिका बनाई सिय निज पान सरोज सुहाय जा बैठी मुनि गण सहित नित सिय राम सुजान सुनई कथा इतिहास सब आगम निगम पुराण सियावर राम जय जय राम सखा वचन सुने बिटप निहारी उमके उमत विलोचन वार करत प्रणाम चले दो भाई कहत पीति सारद सकु जाय हर्षि निरखि राम पद अंका मानो पारस पायो रंक रज सिर धर निये नैने लावे रघुवर मिलन सरिस सुख पाव देखि भरत गति अखत अतीवा प्रेम मगन मृग ठग जड़ जीवा सकई सने विवस भग भूला कही सुपंत सुरवर्षि पूरा निरकी सिद्ध साधक अनुरागी सहज समेउ सरात लाग होत न भूतर भाऊ भरत को अचल सचल चर अचर करत को प्रेम अमय मद रूप रहु भरत बेओद गंभीर मति प्रगट हु सुर साधु हित कृपा सिंधु रघुवीर सियावर
राम जय जय राम। सखा समेत मनोहर जोटा लटो न लगन सगन मन ओटा भरत दीख प्रभु आशो पान सकल सुमंगल सदन सुहाम करत प्रवेश मिटे दुख दावा जनु जोगी परमा पावा देखा भरत नखन प्रभु आगे पूछे वचन कहत अनुराग शीश जटा कट मुनि पट बांधे धूल कसे कर सरु धनु कांधे बेदी पर मुनि साधु समाज उसी सहित राजन रघुराज बल बल कर बसन जटन तनु श्यामा जनु मुनि वेश कीन रति काम कर कमल ने धनु सहाय कुबेरत जिए की जननी हरत हंसी भेरत लख लसत मंजुमनि मंडली मध्य सिय रघुचंद ज्ञान सभा जनु तनु धने भक्ति सचिदानंद सियावर राम जय जय राम। सामिज सखा समेत मगन मन बिसरे अर शोक सुख दुख नन पाई नाथ कई पाई गोसाई भूत बड़े लकुट की नाय वचन सपे में लखने पहचाने करत पिटा भरत जे जाने बंधु सने सरसे और उत साहिब सेवा बस दूर बिली न जाय नहीं गुदरत बनाई सुकवि रखन मन की गति बनाई रहे राखी से वहा पर मारू चढ़ी चंग जनु खींच खिरारू कहत सप्रेम नाई नहीं माता भरत प्रणाम करत रघुनाथा उठे राम पुने प्रेम अधीर कहु पट कहु निशंग धनु तीर पर बस लिए उठाए उर लाए कृपा निधान भरत राम की मिलनी लगी बिसरे सवई अपान सियावर राम जय जय राम। मिलनी पीति की मी जाई बखानी कवि कुल अगम करम मनवानी परम प्रेम पूरन दो भाई मन बुद्धि चित आई मति बिसलाई कहो सुप्रेम प्रकट को करे के छाया कवि मति अनुसरे कवई अरत आखर परु बासाचा अनुहरि तार गतई नटु नाचा अगम स्नेह भरत रघुवर को जैना जाई मधु मनु विधि हरि हर को सो मैं कुमति कहा कई बाती बाज सुराग की गान ता दे मिलनी मिलो कि भरत रघुवर की सुरगन सबे दक दकी दर की समुझाए सुर गुरु जड़ जागे बड़ी प्रसन्न प्रसन्न लागे मिली सब प्रेम रिपुसूद नहीं केवट बेटो राम पूरी माए बेटे भरत लक्ष्मण करत प्रणाम सिया वर राम जय जय राम। भेट हूँ लखन लल की लघुबाई बहुत निशा दीने उड़ाई पनी पुनी मुनि गन दुई माए बंदे अभी मत आशीष पा अनदे सानुज भरत उमगी अनुराग तरी सिर सिये पद पदम पराग पुनी मुनि करम पराम उठाए सिर कर कमल परसी बैठाए सीए असीस दीने मन माए मगम स्नेह दे सुधी नाय सब विधि सानुकूल रखी सीता बेनी सोच और अपडर गीता को कुछ करी ना को कुछ पूछा प्रेम भरा मन निज गति छूछा ते अवसर के वट धीरज धरे जोड़ी पाने विनवत प्रणाम करे नाथ साथ मुनि नाथ के मातु सकल पुर लोग सेवक सेनव सचिव सब आए विकल वियोग सियावर राम जय जय राम। सिर ने दूसरे गुर आगमनु सिय समीप राखे रघुवदन चले सुबेग राम ते कारा धीर धरम पुर दीन दयारा गुरे दे किसानु जनु राग दंड प्रणाम करम प्रभु रागे मुने वरदाय लिए उर लाई प्रेम मंगी बटे दाऊ भाई प्रेम पुलकी के वट कई नाम कीने दूरी दे दंड प्रणाम राम सका ऋषि बरबस बेट जनमय रुटत स्नेह समेट रघुपति भगत सुमंगल मूला नव सराय सुरसर से मूल ए सम निपट नीच हो नाही बड़ वशिष्ठ सम को जग माए जे कि रख नौ ते अति के मिले मुदित मुनि राव सो सीता पति भजन को प्रकट प्रताप प्रभाव सियावर राम जय जय राम। आरत लोग राम सुजाना करुणा कर सुजान भगवान जो जय भाई राम विराजे ते देखे तसी तसी रुख राग सानु जे मिली पर बहु सब काहू कीने दुखी दुख दारुण दाऊ यह बड़ी बात राम के नाय जिमिघट कोटि एक रवि छाई मेरी केव तई उमगी अनुराग गुरजन सकल सराई बाग देख राम दुखित मैं तारी जनु सुबे
ये अपनी मार प्रथम राम बेटी के कई सदन सुबह भक्ति मति बेई पग परी कीन प्रबोधि बहोरी काल क्रम विधि सिरधरि कोरी प्रीति रघुबर मात सब करी प्रबोधि परितोषु अम्ब ईस आधीन जगो काउ न देउ दो सियावर राम जय जय राम अंग गुरु तई पदवंते तुई बाए सहित विप्रत्य जे जगाए गंग गौरी सम सम सन्मानी दई असित मुदित मधुवानी दई पद लगे सुमित्रा अंका चन बेटी संपत्ति अति लंग पुरी जननी चरनी दो प्राता परे प्रेम व्याकुल सब गाता अति अनुराग अम्ब उड़दाए नैन स्नेह सलिला नाय दई अवसर करान साधु किमी कभी कहे मूक जिमी स्वादु मिली जनन इंसान रघुराहो गुरु सन कहो कि धारो पाओ पूजन पाई मुनीस नियो नियो गुरु जल तल तकी तकी उतर उलाग महेश्वर मंत्री मात बुरे लोग सी लिए साध पावन आश्रम गवन सिके भरत लगन रघुनाथ सियावर राम जय जय राम सिय माई मुनिवर पगला गे उचित असी से रही मन मागे गुरपतन नहीं पुनित नहीं समेता मिली प्रेम कई जाई न चेत बंदी बंदी पग सिय समय के आसिर वचन रहस प्रिय प्रिय जी के सासु सकल जब जी सी है यारी मुदे नैन सहमे सुखान परी अपथित बस मनो मनारी का की निकरतार कुचार तीन सी है निरखी निबुड़ दुख पावा सो सब सही जो दयु सहा सहावा जनक सुधा तब उर धरि धीरा नीर नलिन लोचन लोयन बरी नीला मिली सकल सासन सी हसाए ते अवसर कर नाम ही चाए लागे लागे पग सब ने सी भेंट ही अति अनुराग हृदय असी से ही प्रेम बस रहियो बरी सोगा सियावर राम जय जय राम बिकस ने सी सब रानी बैठन समय कहो गुर ज्ञानी कई जगति माइक मन नाता कहे कछु परमारथ गाता निमकर सुरपुर गबरू सुनावा सुने रघुनाथ दुसों दुख पाव मरण हेतु निज नेउ विचारी बे अति विकल धीर दुर्धारी कुलिस कठोर सुनत कठुआन बिलपत लखन सिंह सवरान शोक विकल अति वे सकल समाज मानो राज काज आज मुनिवर बोधि राम समझाए सहित समा सुससित सुसरित नाहे व्रत नम्बु तेहि दिन प्रभु की ना मुनि कहे जल काउ न की ना बोस बोरु भये रघुनंदे जो मुनि आयुष दीन श्रद्धा भक्ति समेत प्रभु सो सब सादर कीन सियावर राम जय जय राम करि पित क्रिया वेद सत ससी बरनी वे पुनि पातक तम तरनी दास जासु नाम पावक अगुरु सुमरत सकल सुमंगल मूरा शुद्ध सुभयो साधु असम्मत अंश तीरत अवान सुर सरिजत सुध भये दुई बासर बीते बोले गुसन राम प्रीते नाथ लोग सब निपट दुखारी कद मूल पर अमुहार सानु जवरत सचिद सब माता देखी मूल पर जिमि जुग माता सबसे मेत गुण तारे पाऊ आपऊ अमरावती राऊ बहुत कहू सब क्यों ठिठाए उचित तस करे गुसाए गुसाए त्रम सेतु करुणायतन कस न कहो अस राम लोक दुख दिन दुख दुई दर्ज देख रहु विश्राम सियावर जय जय राम राम वचन सुनि सबो समाज गुरु जल निधि मोह विकल सहा जो सुनि गुण गिरा सुमंगल मूरा भयो मनु मानु तन कुल पावन पैति काल ना आई जो भी उनकी अगोग न सा मंगल मूर्ति लोचन भरी भरी निरकई अजी दंडवत करी करी राम सहल वन देखन जाय जय सुख सकल सकल सुख ना जर ना जरे सुधा संभारी त्रिविध ताप त्रिविध बिहारी बिटब बेली तन अर्घ नित जात फल प्रसून पल्लव वाति सुंदर शिला सुखद तरु जाई जाई वर्णि वर छवि कही पाए सरनी सरोरुर जर बिगल गुजत गुंजत भ्रंग बैर विगत बेरत विभिन्न मृग बियंग बहुरंग सिया राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय मंगल भवन मंगल हारी तबो सुदशरथ अजर बिहारी जय सिया राम।
बहुत बढ़िया उषा मैम, बहुत बढ़िया पास थैंक किया यू, तुम। बहुत सुंदर, एक थैंक पेज स्किप हुआ है। हाँ यू। कहाँ इक्कीस कहाँ से, से कहाँ 33 तक, कहाँ से, 51 आपने से एक 33 पेज तक, मुझे हाँ पूरा आप में से कोई बताएं ही किस दोहे से, किस दोहे तक, दोहे छोड़ना क्रमांक है। 31 से 33, 231, हाँ 231, 231 से 233 तक छूटा, हाँ ये 231, स्किप हुआ है। 233 तक, और दो दोहे स्किप हो गए, ठीक नहीं है। हाँ, मैं सब पाठकों से, आने वालों से बहुत हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ कि वो ध्यान रखें इसका। तो अगर राजनाथ जी मुझे आज्ञा दे तो मैं उन दोहों को पढ़ लूँ जो मिस हुआ अरे मैं भी सोच रही है। थी आप मेरे क्या को आज्ञा पढ़ना है। करेंगे। आज्ञा भरत कहियो इन राज मद, विधि हर हर पद पाए, कबहु कि कांजी सी करन, जी हीर सिंधु सिंधु, बिन साई, सियावर राम, जय जय राम। तिमिर कांतर नयन उजलई, गगन मगन मक में गई मिलई, गोपद जल बूढ़ई घट जोनी, सहज छमावर छाणई छोनी, बस गपू लखन कमक मेरे उड़ाए, हो निर्मद भरतई भाई, लखन तुम्हार सपथ पितुवाना, तुझ सुवंदन भरत समाना, सगन की सब अवगुण चल चाहता, सब मिलई रचई पर पंच विधाता, भरत हंस रविवंश तड़ागा, जन्म कीन गुण दोष विभागा, गय गुण पै तुझे अवगुण भारी, निज जस जगत कीनी उजियारी, कहत भरत सील सुभाओ, प्रेम पयो मैं जखन मगन रघुराओ, सुन रघुवर बानी विबुध एक भरत है, सकल सराहत राम सो, प्रभु को कृपा निकेत सियावर राम, जय जय राम। जोन होत जग जनम भरत को, सकल धर्म दुर्धर भरत को, कवि कुल गगन भरत गुन गाथा, को जानहि तुम बिन रघुनाथा, लखन राम सी सुन सुर बानी, अति सुकल है उन जाय बकानी, यहाँ भरत सब सहित सहाय, मंदाकिनी पुनीत नहाए, सत समय जरूर पर राख सब लोगा, मांगे मात गुर सचिव नियोगा, चले भरत जहाँ सी रघुराई, साथ निषाद नाथ लघु भाई, समझ मात कर तब सब चाहे, करत पुत्र कवट मन माही, राम लखन सी मुनि मन, राम लखन सी सुनि मम नाऊ, उठ जनि अनत जाहि तज ठाऊ, मातु मते बहु मान मोहि, जो कुछ करें सुथोर, अब अघ अवगुण समय आदर हई, समझ आपनी और सियावर राम, जय जय राम, मेरे प्रभु राम, सीता राम, सियावर राम, चंद्र भगवान की जय। गलती से रह गया होगा। ये बहुत, ये सहयोग प्रभु के हाथ में ही है कि हमें ओम जी का पाठ सुनना था आज और भरत चरित्र में उनकी वाणी का आनंद लेना था, तो ये बहुत ही अच्छा, मैंने ये हुआ भूलवश हो गया, लेकिन वैसे पाठ में बहुत ध्यान रखना ही चाहिए। समय पर हुआ इसके लिए आपको बहुत बधाई आदरणीय उषा जी, और आपने जल्दी के कारण ये रह गया होगा, जान के तो कोई नहीं कर सकता, केवल एक ही जी चौपाई मुझे कहनी है इसमें बहुत। राम भगत रस सिद्धेत बाह्य समय गणेश, भरत चरित्र के माध्यम से हम राम भक्ति का आनंद ले रहे हैं और ओम जी की वाणी से उसमें और माधुर्य आ गया, पाठ में प्रचन्नता हुई। हमने बड़े भाव से ये पाठ सुना और अब हम आदरणीय शकुंतला श्रीवास्तव जी से समीक्षा सुनेंगे। पार्ट तो सही करा था ना मैंने, ये अच्छा पाठ किया। थैंक यू। जी मैं उपस्थित हूँ। जी बिल्कुल, मैं अयोध्या कांड दोहा 205 से 249 तक पाठ की समीक्षा करूंगी। आप सभी आदरणीय गुरुजनों को सादर नमन, सभी साथियों को जय सिया राम। आज मैं प्रथम बार समीक्षा करने जा रही हूँ, इसलिए कुछ त्रुटि हो तो क्षमा कीजिएगा।
प्रारंभ कीजिए। भरत जी श्री राम जी को मनाने शत्रुघ्न जी और अवध वासियों के साथ चित्रकूट प्रस्थान कर चुके हैं। आगे निषाद राज से भेंट होती है, उन्हें साथ लेकर प्रयाग आते हैं। वहां उनकी भेंट भरद्वाज जी से होती है। भरत जी के मन में संकोच है कि न जाने मुनिवर उन्हें कितने स्वार्थी समझेंगे, लेकिन भरद्वाज जी उन्हें बहुत सांत्वना देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा जन्म तो राम के प्रेम की महत्ता को बढ़ाने के लिए हुआ है, राम का प्रेम पुष्ट करने के लिए हुआ है। ये भरत जी के साथ सभी अयोध्या वासियों का भव्य स्वागत करते हैं। मुनि भरद्वाज जी अयोध्या से आए हुए सभी अतिथियों को अच्छी सेवा के लिए रिद्ध सिद्ध का आह्वान करते हैं, लेकिन भरत जी और अयोध्या वासी किसी भी सुख सुविधा का उपयोग नहीं करते। सोचते हैं कि हमारा व्रत भंग हो जाएगा। राम तथा निषाद राज से भरद्वाज जी बड़े प्रेम और आदर से मिलते हैं। मार्ग के में जितने भी जीव जंतु भरत जी को मिलते हैं वो उनके दर्शन से तर जाते हैं। भरद्वाज जी कहते हैं कि भरत आप किसी प्रकार का संकोच न करिए, मैं झूठ नहीं कहता, हम तपस्वियों की किसी की मुंह देखी नहीं करते, सब साधनों का उत्तम फल हमें लक्ष्मण राम जी और सीता जी के दर्शन से प्राप्त हुआ और उस महान फल का परम फल ये तुम्हारा दर्शन है। प्रयागराज समेत हमारा बड़ा भाग्य है। हे भरत जी तुम धन्य हो, तुमने अपने यश से जगत को जीत लिया। ऐसा कहकर मुनि प्रेम में मग्न हो जाते हैं। भरत जी का शरीर पुलकित है, हृदय में सीताराम जी हैं और कमल के समान नेत्रों में आंसू भरे हुए हैं। वे मुनियों की मंडली को प्रणाम करके गदगद वचन बोले, मुनियों का समाज और फिर तीरथ राज, मैं सच्चे भाव से कहता हूँ कि आप सर्वज्ञ हैं और रघुनाथ जी के हृदय के भीतर की जानने वाले हैं, मैं कुछ असत्य नहीं कह सकता। मुझे माता कैकेयी की करनी का सोच नहीं है, ना मुझे ये सोच है कि जगत मुझे नीचा समझेगा, ना पिता के मरने का शोक है, ना ये डर है कि मेरा परलोक बिगड़ जाएगा। जिन रामचंद्र जी के विरह में उन्होंने क्षणभंगुर शरीर को त्याग दिया, ऐसे राजा के लिए सोच का क्या प्रसंग है कि जिसने राम लक्ष्मण जैसे पुत्रों को जन्म दिया है। सोच इस बात का है कि राम लक्ष्मण सीता जी नंगे पांव मुनियों के वेश में जंगल जंगल फिर रहे हैं, बलकल वस्त्र पहनते हैं, फलों का भोजन करते हैं, कुछ पत्ते बिछाकर सोते हैं, सर्दी गर्मी वर्षा हवा सहते हैं और पेड़ों के नीचे वास करते हैं। मेरी माता ने सारा कुठार रचा हुआ है, ये कुयोग रामचंद्र जी के लौट आने पर ही मिट सकता है, तभी अयोध्या बस सकती है। भरत जी के वचन सुनकर मुनि ने सुपाया। मुनि ने कहा, हे तात तुम सोच मत करो, रामचंद्र जी के चरणों के दर्शन करते ही सारा दुख मिट जाएगा। भरत के प्रयाग से आगे बढ़ते ही देवताओं को चिंता होती है कि अयोध्या में मंत्रा की मति सरस्वती जी ने फेर दी थी हमारे कहने पर, लेकिन अगर भरत जी के लिए कुछ किया गया तो राम जी के क्रोध का भाजन बनना पड़ेगा। रात के बाद प्रातः काल सीता जी राम जी को अपना स्वप्न बताती हैं कि भरत सेना सहित आ रहे हैं और माता वैद्य रूप में दिखी। राम कहते हैं ये सपना ठीक नहीं है। उसी समय कोल भीलों ने भरत के आने की सूचना दी। सेना के सहित भरत शत्रुघ्न का आगमन सुनकर लक्ष्मण जी मरने मारने पर आ जाते हैं। कहते हैं भरत को राजमद हो गया है। राम कहते हैं भरत को राजमद नहीं हो सकता, तुम धीरज धारण करो। भरत की प्रशंसा करते देख देवता भी प्रशंसा करने लगते हैं। भरत को निषाद राज दूर से तपोवन दिखाते हैं जहां राम की पर्ण कुटी है। भरत तीव्र से वहां पहुंचते हैं। पाए नाथ के पाए गुसाई, भूतल परे लकुट की नाई। राम सुनते हैं कि भरत प्रणाम कर रहे हैं, प्रेम में अधीर होकर उठते हैं। उठे राम सुन प्रेम अधीरा, कोह पट कम शंग धर तीरा। ये इसे भावावेश पूर्ण विह्वलता को दर्शाती है। निषाद राज राम को समाचार देते हैं कि गुरुजन माताएं पुरवासी भी हैं, वे शीघ्र माताओं और गुरु के लेने आगे जाते हैं। माताओं को उद्धव रूप में देखकर राम दुखी होते हैं और पिता गमन का कारण स्वयं का स्नेह जानकर बहुत दुखी हो जाते हैं। बड़े पुत्र होने के कारण पिता का वेदित पद्यत से श्राद्ध करते हैं। सब लोग उस दिन निर्जला व्रत रहते हैं। भरत के सिंहासन त्याग और भरत का मात्र भ्रातृ प्रेम के कारण भारत आज भी विश्व में माना जाता है। उसी प्रसंग का हृदय स्पर्शी मार्ग चित्रण भरत के चित्रकूट यात्रा में किया गया है। गुरुवर भरत का पश्चाताप दूर करते हुए
कहते हैं तुम तो भरत मूर्म देहु धरो देह जनु राम सनेहु। विशेष बात यह है कि इतने कठिन दुख में भी राम प्रेम की भरत राम की राम प्रेम की मूरत बने हैं। तुलसी लिखते हैं कि भरत की भक्ति प्रेम का वर्णन सरस्वती शेखनाग भी नहीं कर सकते। भरत का विनय विवेक सहज प्रेम और उनका सबसे बड़ा भक्त का लक्षण संकोच बहुत ही हृदय स्पर्शी है। जीवन में उपयोगिता संकट में धैर्य की परीक्षा होती है। कोई भी बड़ा या छोटा संकट हो बहुत ही विवेकपूर्ण निर्णय होना चाहिए। निषादराज ने अपनी भक्ति से वो स्थान पाया। ऋषि वशिष्ठ और मुनि भरद्वाज उनसे बड़े प्रेम से मिले। भरद्वाज में तपस्या के साथ साथ व्यवहारिकता अतिथि सत्कार और प्रवणता बहुत प्रभावित करती है। लक्ष्मण को भरत का थोड़ा सा विश्वास होता है लेकिन राम का भ्रातृ प्रेम और भक्त में अविश्वास की जगह नहीं है। देवत्व के साथ मानवीय व्यवहार में जीवन उपयोगी बताया गया है। संकट के समय भी राम कर्तव्य पूर्ण करते हैं। पिता के दिवंगत होने पर भी नियमों के आचार व्यवहार का निर्वाह करते हैं। सबसे पहले माता कैकेयी से मिलते हैं। उनके अनुसार कोई ऐसा कार्य न किया जाए तो बाद में पछताना पड़े। भरत जी के राम आध्यात्मिक विशेषता है कि भरत जी का राम जी से भी ज्यादा आदर सम्मान मुनि भरद्वाज जी करते हैं क्योंकि वो भरत जी को राम ही मानते हैं, उन्हीं का रूप मानते हैं। राम जी कहते हैं भरत ने सूर्यवंश में के तालाब में हंस रूप जन्म लेकर गुण और दोष को बांट दिया। एक दूसरे भाई को इतना महान बताया कि पता ही नहीं चलता कि भक्त बड़े हैं या भगवान। भगवान अपने भाई को अपने से उचित ठहराते हैं। ये तो भारत के संस्कारों की महानता है। केवल राम जी आश्चर्य की बात यह है कि केवल राम जी को 14 वर्ष का वनवास होता है लेकिन और सब भाई किसी न किसी रूप में वनवास को स्वीकार करते हैं। आध्यात्मिक विशेषता ये भी है कि भरत एक भाई तो हैं लेकिन भक्त रूप में सामने आए हैं। प्रेम की यही विशेषता है, जितना भक्त भगवान के निकट पहुंचता है उतना ही उसकी प्रीत और बढ़ती है। उपासना का अर्थ ही समीप बैठना है, इसलिए इस आसो का पान जिसने एक बार कर लिया उसकी लहर मिट नहीं सकती। कबीर ने कहा है, हरे रस पिया जानिए कबहु न जाए खुमार, मैं मनता घूमत रहे नहीं तन मन की सार। आज रामायण के जो भी सुपात्र हैं उनसे थोड़े थोड़े संस्कार लेकर हमारा भी जीवन राममय हो सकता है। धन्यवाद। बहुत सुंदर समीक्षा आपने की। राम प्रेम और राम और भरत के जो प्रेम का तत्व आपने इस पाठ के माध्यम से बताया हम सबके लिए बहुत लाभदायक है। आदरणीय ओम जी कुछ कहेंगे इस अभी जय जयराम, सुनने। आप सबको मैं धन्यवाद भी दूंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आज के पाठ के लिए उषा जी। आपके पाठ के लिए पेज छूट गया है तो गलती से कई बार हो जाता है, चिपक जाते हैं पेज, तो ऐसी कोई बात नहीं उसकी। पर हम लोगों ने ध्यान दिया और बताया तो उसके लिए मैं आभारी हूँ। इसे भी पता लगता है कि हम कितने ध्यान से सुन रहे हैं। मैं तो नहीं सुन रहा था, तो मैंने तो नोट नहीं किया, पर वो मैं वो आप भी देख रहे हैं, मैं और काम में लगा हूँ तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। तो थैंक यू सो मच। और शुक्ला जी समीक्षा के लिए धन्यवाद। वो कल राम मलिक जी पाठ करेंगे और राजनारायण जी स्वयं समीक्षा करेंगे, वे संचालन भी कर रहे हैं। तो कल और परसों दोनों दिन समीक्षा कल आप हमें डॉक्टर राजनी शर्मा जी से ही मिलेगा। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद राजनारायण जी संचालन के लिए, और आप सबको धन्यवाद पधारने के लिए। मेरे लिए कोई प्रश्न तो बताया। नहीं, आप कहें जैसा आदेश करें। धन्यवाद। जय श्री राम। बस आप संभाले आगे समापन करें। हाँ बिल्कुल, बहुत सुंदर ये प्रसंग। और मैं तो बस यही कहूंगी कि सारस्वत यज्ञ से जो ऊर्जा उत्पन्न हो रही है भक्ति की, वो हम सबके मन को पवित्र करें। और इसके साथ ही मैं आदरणीय ओम जी की आज्ञा से शांति मंत्र लेती हूँ। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु,
मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ॐ अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा मृतं गमय। ॐ शांति शांति शांति। सभी को प्रणाम और धन्यवाद।